क्या होगा अगर मैं बोलूं कि IQOO Z9 5G मुझे देखने में बहुत ही बेसिक फोन लग रहा है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार हम 2024 में हैं, जहां पे कंपनीज अपने फोन के डिजाइन को अलग अलग अवतार में लेके आ रहे हैं, या फिर मैं बोलूं कि बहुत कुछ कर रहे हैं अपने डिजाइन के साथ, लेकिन IQOO ने बहुत ही बेसिक फोन बनाया है, वो भी 25,000 के रेंज में। आई मीन क्यों? लेकिन वो बोलते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो भाई यहाँ पे भी वही सीन है। खैर मैं इसको जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ आपके सामने। तो क्या ये फोन अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है, या फिर मैं बोलूंगी क्या ये फोन अपने आप को 25,000 के रेंज में एस्टैब्लिश कर पाएगा? चलिए बताता हूँ सबको इस फोन के बारे में। मैं हूँ इमाम और आप देख रहे हो फाइबर बाय इंडिया टुडे। शुरू करते हैं डिजाइन से। तो सच बताऊं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, इसका डिजाइन मुझे बहुत ही बेसिक लग रहा है। अब ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको ये डिजाइन पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे 2024 में यार सच में ये फोन बहुत ही बेसिक लग रहा है, क्योंकि कंपनीज यार जहां 25,000 के फोन में वीगन लेदर दे रहे हैं, ग्लास बैक दे रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपने डिजाइन के साथ, वहां पे ये फोन मुझे बहुत ही सिंपल लगा है। वहीं इस फोन में पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि चीप क्वालिटी का बिल्कुल नहीं है। अच्छा इनहैंड फील होता है इससे। वहीं फोन काफी लाइट वेट है, स्लिम है। इनफैक्ट ये फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है, जिससे कि हल्के फुल्के पानी से इस फोन को कुछ नहीं होने वाला। और बेस्ट पार्ट ये है बॉस कि वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से इस फोन का किया गया है। बटन की प्लेसमेंट बहुत सही तरीके से की गई है। इनफैक्ट अगर आपके हाथ छोटे हैं तो भी आपको इनको एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नीचे के साइड सिम ट्रे प्लेस किया गया है, तो इसमें भैया देखो, या तो आप दो सिम एक साथ यूज कर लो, या फिर मैं बोलूं कि भैया एक SD कार्ड जिससे कि आप एक्सपेंड कर लो अपनी मेमोरी को, और एक सिम यूज कर लो। बगल में टाइप सी का पोर्ट है, उसके साइड में एक स्पीकर है। बाय द वे इसमें स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। सो ओवरऑल डिजाइन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, मुझे बहुत बेसिक लगा है। बाकी आप बताओ कि इसका डिजाइन आपको कैसा लग रहा है। इस फोन में 6.67 इंच की होल पंच एमोलेड डिस्प्ले है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और जो पीक ब्राइटनेस फोन के साथ आती है वो है 1800 निट्स की। साथ ही साथ D2 Star 2 Plus से इसका जो ग्लास है वो प्रोटेक्टेड है, और इसका डिस्प्ले देखने में ना काफी वाइब्रेंट लग रहा है। लेकिन कितना वाइब्रेंट है और क्या है सब कुछ पता चलेगा फाइबर डिस्प्ले टेस्ट में, तो वहां पे चलते हैं अपन। जैसे कि मैंने बोला कि डिस्प्ले काफी वाइब्रेंट है, और यही चीज हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, कलर्स काफी खेल के आ रहे हैं, प्लस जूम करने पर भी डिटेल्स की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट ब्लैक को काफी अच्छे से मैनेज किया है इसने यहाँ पे। अब अगर ये फेदर वाली फोटो देखते हो तो यहाँ भी डिटेल्स की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट येलो कलर भी अच्छे से खिल के आ रहे हैं, जैसे मैं जूम करता हूँ एक एक लाइन अच्छे से विजिबल है यहाँ पे भी। बाकी इसके डिस्प्ले को और ज्यादा टेस्ट करने के लिए मैं ना ब्राइट सनलाइट में इसको लेके चला गया था, एंड वहां पे भी इसका डिस्प्ले अच्छा खासा ब्राइट था। इनफैक्ट मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और वहां पे भी मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। कॉन्टेंट भी दबा के देखा मैंने इसमें, और मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया ही रहा है इसके साथ, क्योंकि कलर्स अच्छे से प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे स्टूडियो स्पीकर दिया गया है, जिससे कि अच्छा खासा लाउड साउंड आपको मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साउंड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया है। डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट सेंसर को प्लेस किया गया है, जो कि अच्छा खासा रिस्पॉन्सिव है। सो ओवरऑल अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं, तो आप कंटेंट अगर बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, या फिर मैं बोलूं कि स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा करते हो बॉस, तो यहां पे इसका डिस्प्ले आपको कहीं से भी निराश नहीं करेगा। MediaTek Dimensity 7200 इसमें दिया गया है। साथ ही साथ बॉस जो फोन अभी मेरे पास है, इसमें 8GB रैम और 256GB का स्टोरेज है। फ्रंट टच ओएस 14 पे चलता है, जो कि एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है। खैर ऑन पेपर्स काफी सॉलिड लग रहा है ना ये फोन। चलो देखते हैं बेंचमार्क्स में क्या हाल है इसके। N22 में इसका स्कोर बढ़िया है, इनफैक्ट मेरे उम्मीद पे खरा उतरा है IQOO यहां पे। वहीं Geekbench 6 में भी रिजल्ट बढ़िया है, चाहे सिंगल कोर देख लो या फिर मल्टी कोर। तो भाई देखो, बेंचमार्क्स तो IQOO के फेवर में है, लेकिन कितना फेवर में है ये मैं आगे बताता हूं आपको। सच बताऊं तो ये फोन लाइट टास्क और हैवी टास्क को बहुत स्मूथली मैनेज कर लेता है बिना किसी दिक्कत के। बेस्ट पार्ट ये है कि ये फोन गर्म नहीं होता है अगर आप इस पे हैवी लोड डालते हो तो भी, या फिर मैं बोलूं कि थर्मल मैनेजमेंट इसका बहुत सही से किया गया है। मैंने इस फोन में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल घंटों खेला है, और सच बता रहा हूं 50 मिनट तक ये फोन गर्म हुआ ही नहीं था। इनफैक्ट इसके बाद भी जब फोन थोड़ा वार्म होना शुरू हो गया था, तो परफॉर्मेंस में मैंने किसी भी तरह का डिप नहीं देखा। ब्लॉटवेयर फोन में भर के दिए गए हैं, जिनको कि आप एक एक करके अनइंस्टॉल कर सकते हो। फ्रंट टच ओएस टाइम बाय टाइम बेटर हुआ है, लेकिन ब्लॉटवेयर अगर हटा दे यार तो और अच्छा हो जाएगा। 8 5G बैंड्स के साथ ये फोन आता है, जिससे कि एटलीस्ट 5G यूज करने में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ ज्यादा ही कॉल्स लिए थे मैंने इस फोन में, और सच बता रहा हूं भाई नेटवर्क काफी स्टेबल था, कॉलिंग में मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। फेस अनलॉक मस्त काम करता है इसका, एकदम फटाक से खुल जाता है, वहां पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करूं तो 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट इसके साथ मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर परफॉर्मेंस की बात करूं तो 25,000 के रेंज में जितने ही फोन अभी इस्तेमाल किए हैं, उन सब में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे इस फोन का ही मिला है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है इस फोन में, जो कि सोनी का IMX882 है। वहीं सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का बोके लेंस है, और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसमें दिया गया है। खैर स्पेक्स को करते हैं साइड, सीधे आते हैं फोटोज पे। एक बात तो क्लियर है कि इसका कैमरा निराश नहीं करने वाला है। इनफैक्ट अगर अच्छी लाइटिंग कंडीशन में आप फोटोज क्लिक करते हो तो उसमें प्रॉपर डिटेलिंग और शार्पनेस प्लस जबरदस्त डायनेमिक रेंज ये कैप्चर करता है।
बाकी फोटोज में भी कलर रिप्रोडक्शन नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा ही पॉप होता है। बाकी व्हाइट बैलेंस थोड़ा मैं बोलूंगी हल्का सा एकदम कूलर साइड पे है, बाकी फोटोज अच्छी क्लिक करके निकालता है ये फोन। नाइट फोटोज की अगर मैं बात करूं तो बॉस, तो मैं सच बता रहा हूं आपको, अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी है ना तो ये फोन आपको टॉप शॉट एकदम फोटो निकाल के दे सकता है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। मुझे अगर सेल्फी कैमरा की बात करूं तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक कमेंट में बताओ कि आपको इसका सेल्फी कैमरा कैसा लग रहा है। मुझे अगर पोर्ट्रेट फोटो की बात करें तो बॉस एज डिटेक्शन अच्छा है, स्क्रीन टोन को काफी अच्छे से ये मैनेज कर लेता है, जैसा कि आप अमन और मनमीत की फोटो में देख ही पा रहे होंगे। अब मैं काम करता हूं, वीडियो सैंपल रिकॉर्ड किए थे मैंने इसके सेल्फी से और रियर से, वो चला के दिखा देता हूं, जिससे कि आपको बेटर आइडिया लग जाएगा कि बॉस में रील वील या फिर वीडियो कैसा बनता है, या फिर आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, पैसा वसूल है या फिर भैया बर्बाद है, वो सब वहां से पता चल जाएगा आपको। सो गाइस, अब मैं इसके रियर कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूं। स्टेबलाइजेशन मैं अगेन बोलूंगा कि बहुत ही बढ़िया है, खासकर प्राइस रेंज को देखते हुए। इनफैक्ट मैं कलर्स की बात करूं तो वो भी मुझे सही लग रहा है। ऑडियो क्वालिटी डिसेंट है। इनफैक्ट अगर मैं वहीं इसके एचडीआर परफॉर्मेंस की बात करूं गाइस, तो सच में यहां पे इन्होंने बहुत सही काम किया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और अब दिखाता हूं मैं इसके सेल्फी कैमरे की रिकॉर्डिंग कैसे आई है। सो अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके सेल्फी कैमरा से, और मैं जो सेटिंग रखा है ना मैंने, वो है 1080 बाई 30 फ्रेम से, जो कि मैक्सिमम ये शूट करता है। और सच बताऊं तो यार ये ना मतलब एचडीआर परफॉर्मेंस का मुझे बहुत सही लग रहा है, क्योंकि आप जैसा कि देख पा रहे होंगे अगेन से लाइट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके बाद भी जो आउटपुट है वो बहुत ही सही लग रहा है मुझे। इनफैक्ट ऑडियो क्वालिटी कैसा है, बाकी कैसा लग रहा है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन आगे की वीडियो देखिए। IQ Z9 में 5000mAh की बैटरी दी गई है, साथ साथ 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। वहीं अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं या बैकअप की बात करूं तो बॉस इसने मेरा एक पूरा दिन आराम से निकाल दिया था, जिसमें कि मैंने घंटों कॉल फ्री मोबाइल खेला था, साथ साथ यूट्यूब पे भर भर के वीडियोस देखे थे, कॉलिंग पे कुछ ज्यादा ही था और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद किया था। उसके बाद भी एंड ऑफ द डे इसमें 28% बैटरी रह गई थी, जो कि बुरा कहीं से भी नहीं है गाइस। तो आते हैं मुद्दे पे कि बॉस IQ Z9 खरीदना चाहिए या नहीं। तो बॉस देखो, अगर मैं इसके लुक्स को साइड कर दूं ना, इस फोन का परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइजेशन, कैमरा, बैटरी सब कुछ ताबड़तोड़ है, वहां पे मुझे ऐसा कोई बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है। हालांकि अच्छा ही परफॉर्मेंस निकाला है इस फोन ने। बाकी फाइबर इस फोन को रेट करता है 7.5 out of 10। अगर अभी भी कोई सवाल है या आप कुछ जानना चाहते हो इस फोन के बारे में, तो बॉस कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे लिख दो, भर दो, जो करना है कर दो, बस जाते थे चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलना।